वेलकम बैक अगेन। तो आइए अब आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की कुछ और हॉट एंड लेटेस्ट खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। ऐश्वर्या राय बच्चन अब सिंगिंग की फील्ड में कदम रखने जा रही हैं। खबर है कि कॉमेडी फिल्म फैनी खान में वो गाना गाएंगी। इस फिल्म में ऐश और अनिल कपूर की जोड़ी भी नजर आएगी। अक्षय कुमार जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म गोल की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। बता दें कि गोल भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बलवीर सिंह दोसांझ की लाइफ पर बेस्ड है। ये फिल्म 15 अगस्त 2018 को रिलीज होगी। खबर है कि ऑस्कर मेंबर बनने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय समेत कई स्टार्स को इनविटेशन आया है, लेकिन लिस्ट से शाहरुख खान का नाम गायब है, जबकि विदेशों में शाहरुख फेमस है। अर्शद वारसी घायल हो गए हैं। शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसकी तस्वीरें अर्शद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है। हालांकि अब वो ठीक हैं। फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर के लिंकअप की खबरें आती रहती है। खबर है कि हाल ही में श्रद्धा कपूर एक इवेंट को अटेंड करने पहुंची थी। ऐसे में फरहान उन्हें सरप्राइज करने के लिए इवेंट पे पहुंच गए। ये देखकर श्रद्धा बेहद नाराज हो गए और इवेंट से चली गई। अमिताभ बच्चन ने ढंग से हिंदुस्तान का पहला शेड्यूल खत्म कर लिया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। आमिर की फिल्म की शूटिंग इन दिनों यूरोप के माल्टा में हो रही है। हाल ही में तबू ने खुलासा किया कि वो अब तक सिंगल है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन है, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा। बता दें, सालों पहले तबू और अजय देवगन के अफेयर की खबरें उड़ी थी। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अदनान सामी फिल्म अफगान इन सर्च ऑफ ए होम के जरिए एक्टिंग करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका पहला पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अफगानी लुक में नजर आ रहे हैं। खबर है कि कॉमेडियन भारती ने कपिल शर्मा के साथ शूटिंग करने से मना कर दिया। कहा जा रहा है कि भारती को अपने एंट्री सीन में कुछ बदलाव करना था, जिसको लेकर टीम मेंबर्स के साथ उनकी बहस हो गई और उन्होंने शूटिंग छोड़ दी। साल 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ में एक तीर्थयात्री ने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपनी पत्नी को खोजता रहा। अब 19 महीने बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला और अब इसी कहानी को लेकर डायरेक्टर विनोद कापड़ी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें इस पति पत्नी की रियल लाइफ की स्टोरी होगी। And you're watching IBC 24. Keep watching. Hi guys, this is Rambeer Singh and you're watching IBC 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC 24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC 24.